मेले में हम लोग दुकान जब कुछ कहना है आपको आप पड़ता कितने का है 350 का थोड़ा सा उड़ा के दिखा देखो लगाने के लिए अच्छा लगेगी यहाँ पे काफी मैक्सी हो चाहे आप गोल्ड की चैन है क्या ये भी एक लो कितनी दूर कितनी है कहाँ से आया पैसा भेलपुरी को करिए इसके वजह से ये काफी अच्छा लग रहा है 1250 एक किस चीज के लिए जूस वगैरह अच्छा जूस वगैरह कुछ कम भी हो सकता है तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ये कप वगैरह ग्लास ग्रोसरी वगैरह देखा जाए तो और लेफ्ट साइड में ये मिलेगा आपको क्योंकि ये फैंसी लेडीज पर्स एंड सेंटर की इम्पोरियर है यहाँ पे आपको हैंड बैग वगैरह मिलेंगे अगर आप लेना चाहते हो तो फीचर है उसका जो प्राइस है बहुत बहुत छोटी क्या मेले का प्रचार हो रहा है प्रचार नहीं हो रहा है जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए मेले का प्रचार करने की जरूरत है आपको लगता है हाल क्या है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है दुकानों के अंदर तो लाइटें हालांकि है तो वहाँ पे फुटेज अच्छी आ रही है लेकिन बाहर की तरफ उतनी बेहतरीन नहीं आ रही है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी आना चाहिए था बट अब जो भी है मेले में देखा जाए तो अब जाके थोड़ी सी रौनक बढ़ी है अब थोड़ी जाके देख रहा हूँ कि रश देखने को मिल रहा है इस मेले में देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं और खाने के लिए तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है और जिसकी वजह से और एक चीज़ और है शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है 10 रुपये में जादू रिंग लीजिएगा 10 रुपये में जलेबी लीजिएगा एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अलग लगी वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे घर को सजाने वाली चीज़ है यहाँ पे इसे क्या कहते हैं क्या प्राइस है इसका 3500 रुपये इसका तो क्या नाम क्या बोलते हैं इसको घोड़े हैं नहीं नहीं सीनरी है ये वाला सामने भाई सब पूछ रहे हैं अरे तू बोल टैंगलर बात करता है क्या आप आके सीनरी वगैरह ले सकते हैं मुझे काफी अच्छा लगा अगर आइए अगर आपको अच्छा लगता है तो ₹10 का एक सामान दे रहे हो ना ₹10 यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की सेल लगी हुई है चाहे वो 10 रुपये की हो चाहे 20 रुपये की हो चाहे 30 रुपये की हो भेलपुरी इस टाइम इस बार सेलिंग कैसी है बहुत सुंदर आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है प्रसाद के लिए देख रहा हूँ अधिकतर जहाँ जाता है तो लाटे में जाता है छपरा वाले अधिकतर भेलपुरी बनाते हैं यही धंधा अच्छा वहाँ पे यही धंधा है तो वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा फूल में चलता है छपरा में छपरा में इसी कहने का मतलब है कि यही सब मतलब कि बनता है अच्छा छपरा में विशेष मतलब ज़्यादातर हम लोग मेले पर अच्छा पूरे साल यहाँ पे आने के बाद एक बात चीज़ मुझे और पता चली कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो कि भेलपुरी बना रहे हैं मोस्टली जो लोग हैं वो है छपरा के क्योंकि वहाँ पे बेसिकली अधिकतर मोस्टली लोग इसी सब चीज़ों का काम करते हैं तो ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी अब जाके पता चली है ओहो यहाँ पे दिल्ली ऑप्टिकल्स एंड वॉचेस लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको ये घर सजाने वाली चीज़ें मिल जाएंगी
और इसके अलावा सामने की तरफ आपको गॉगल्स मिलेंगे और वॉचेस मिलेंगे, दिल्ली ऑप्टिकल एंड वॉचेस। वॉचेस के रेट कितने से स्टार्टिंग है? घड़ियों की 100 रुपये। कितने रुपए तक है? 850 रुपये। कौन सी 850 की एक बार दिखा सकते हो? जो प्राइस है वो है 850 रुपये। ओरिजिनल घड़ी कितने की है? किसी को घड़ी अच्छी लगती है, प्राइस है 850, डिपेंड बाय। आपको वॉचेस मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको गॉगल्स मिल जाएंगे, रेंज भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। अगर आइए आप, अच्छा लगता है शॉप फ्रॉम हियर। क्या है भाई सब ये? क्या है कितने का, कैसे दे रहे हो? 20 रुपये का 100 ग्राम। चलिए ठीक है, 20 रुपये का कितना बताया? 100 ग्राम। सिंगार उन्होंने दिया है थोड़ा टेस्ट करने के लिए, ठीक है। धन्यवाद। किस रुपये बनते हैं? मैदा भेज दूँ, चीनी। मैदा, बेसन, रिफाइंड और घी, इन सारी चीज़ों से बनाया जाता है। टेस्ट अच्छा लगा, गर्मा गर्म है। ठंडा शरबत 5 रुपए गिलास, तो आप बर्फ गोला ट्राई कर सकते हैं और ठंडे शरबत का मजा भी लीजिए। तो चले आइए, चले आइए, चले आइए। यहाँ के अगर मैं मोस्टली झूलों के बारे में बात करता हूँ तो काफ़ी सारे के सारे जो है क्योंकि खाली हैं। एक सामने एक है वो भी झूला काफ़ी ज़्यादा खाली है। और इसके अलावा अगर इस झूले की बात करता हूँ यहाँ पर रेस्टोरम है और दिल्ली से मुंबई में जो काम की थोड़ा बहुत जी बाबा बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। ये भी झूले खाली हैं, ये भी झूले खाली हैं सामने। मेले में जो मैं पहली बार देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पे, आटा दाल चावल नमक तेल सारी चीज़ें मिल रही है। एक बार वो चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा मेले में ये सब भी बिकने लग गया? और क्या बिकता है? तो पहली बार बेच रहा है, पहले ही बिकता था? नहीं नहीं, पहले से हम लगाते हैं दुकान। दुकानदार रात में सोएंगे तो खाने कहाँ जाएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, दुकानदारों की एक ही दुकान है और दुकान एक्चुअली ये दुकानें जो कि हैं यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको खाने वाने के लिए चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे परचून की दुकान है जो लोग यहाँ पे आते हैं और अपना आटा दाल चावल जो भी है वो अपना खरीद सकते हैं। तो दिस वॉज शॉकिंग, पहली बार देखा मैंने। तो फिलहाल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो आप सभी लोगों को दिखाई और फिलहाल जो वक्त आ चुका है वीडियो को ख़त्म करने का। तो आई होप कि जो वीडियो थी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।
और आप अगर आप लोग कहेंगे और वीडियोस के लिए तो आई विल डेफिनेटली ट्राई, आप सभी लोगों को दिखाऊंगा और जैसे कुछ इस तरीके से वीडियोस मैं बनाता हूँ तो सारे सारे लोग देखते हैं। पर लोगों का रिएक्शन क्या होता है, सारे के सारे लोग घूरने लगते हैं और तो फिलहाल शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो वीडियो